सिद्धार्थनगर इटवा थाना क्षेत्र के भावपुर मिडा में पीड़ित ने गांव के ही एक व्यक्ति पर अपनी बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि गांव में जलसा देखने गई हमारी बेटी गांव के ही एक व्यक्ति के परिवार वाले हमारी बेटी को भगवा दिए। जब इस पूरे मामले को लेकर इटवा थाने में तहरीर दी, लेकिन एक माह से अधिक दिन हो गए हैं, अभी तक इटवा पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं। वहीं पीड़िता ने बताया कि आरोपी बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा। आखिर कब मिलेगा न्याय, कब जागेगा पुलिस प्रशासन, कब होगी कार्यवाही? वहीं सीओ हरीश चंद्र ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। भापुर का मेरा भापुर हमारे लड़के का वाला है। 11 कई तारीख गई बाबू? 14 रात को मैं गई हमारे लड़की, वो जलसा गई सुना। हाँ, वो जलसा से मस चली गई ही, बुलाई लेने वहीं से भगा ले गया। साहबुन है, आसमा है, हाँ, और बन्ना है, वही से हमारे लड़की गए भी, लेकिन जब से मिली ना आई है। कार्रवाई किया गया है तो वहाँ से थाने पर नहीं सुनवाई भसता है, तब अब ये जिला पर किए नहीं तो जिला पर के कागज आ है, तब कार्रवाई के लिए मुकदमा बना है। हाँ, हमारी लड़की मिला चाहती है। हाँ, और ना जब मिली हमारी लड़की तो हमारी हत्या कर लिया जाए सब घर वाले। मेरा समस्या यही है कि भैया पूर्वग्राम 14 के रात में हो रहा था, लड़की मेरे पूर्वग्राम में गई, वहीं से लड़की वापस नहीं आई। हम थाने पे गए, थाने पे हमारा दरखास्त लिखा गया, वहाँ से न्यायिक कुछ हुआ तो हम आगे बढ़ के गए, लेकिन वहाँ से आया कागज, यहाँ बुलाए मुलजिम, गए मुलजिम को वहाँ पूछ जाछ करके उनको 3 दिन का मोहलत लिया गया है। उसके बाद में और समस्या यह है कि हमारे जान माल के खतरे का अंदेशा है, कि रात बिरात कुछ भी कर सकते हैं। पिताजी हैं, हम यही चाहते हैं कि लड़की मेरी आ जाए, बयान दे दे, बयान दे दे।